हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने यूरो यूएसडी का लाइव चार्ट यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है। गाइस, आज की इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी आप सभी को बताने वाला हूँ। सो वीडियो में एंड तक बने रहिए। देन अगर अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको मिल जाएगा। ओके, देन क्यूटस अकाउंट आपने अभी तक क्रिएट नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ फटाफट। क्यूटस पर भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, देन वहां से भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ओके, जाओ क्यूटस का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके, सो आज मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं आज ये वीडियो जो है अपलोड हो रही है क्या बोलते हैं सैटरडे के दिन, ठीक है। और फ्राइडे को थी हमारी एनएफपी की न्यूज़। एनएफपी पे हम लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया था, आप सभी को पता है इस चीज़ का। और जो एनएफपी की मैंने ट्रेड यहाँ पे प्रोवाइड आपको करी थी तो मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ टेलीग्राम को सर्च करके। टेलीग्राम यहाँ पे सर्च करूँगा बिकॉज शायद यहाँ पे है, मैंने ऑलरेडी इसमें अपलोड करके रखा था टेलीग्राम। ये रहा हमारा वीआईपी। ओके, ये रहा हमारा टेलीग्राम, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे आप सभी के लिए बोला था रेडी फॉर वन श्योर शॉट ट्रेड, ठीक है। यानी एक श्योर शॉट ट्रेड के लिए मैंने आप सभी के लिए बोला था जो कि एनएफपी की हमारी 100% श्योर शॉट की ट्रेड थी। गाइस, अगर आप लोग वीआईपी में ज्वाइन नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीआईपी ज्वाइन करने के लिए करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको लिंक से अकाउंट क्रिएट करना है। लिंक से अकाउंट क्रिएट करके आपको जो है मिनिमम $50 का बैलेंस आपको जो है ऐड करना है। ऐड करने के बाद मैं जो आपको वीआईपी में एंट्री दिला दूंगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो मैं श्योर शॉट ट्रेड प्रोवाइड कराता हूँ सभी को, यहाँ पे इनको यूज करके आप जो 100% अपना पैसा यूज यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। 100% पूरा पैसा यहाँ पे आप लगा सकते हैं जब भी मैं न्यूज पे ट्रेड प्रोवाइड करता हूँ तब। ओके, अभी मेरी थोड़ी सी सर्जरी हुई है, आप सभी को पता है, मैंने बताया था आपको, इन्फॉर्म किया था टेलीग्राम की वजह मेरी माउथ सर्जरी होने वाली है। तो अभी मैं आपको ठीक से मुंह बोल भी नहीं पा रहा हूँ, फिर भी आपके लिए कंटेंट ला रहा हूँ। इससे थोड़ा सा अभी बोलने में दिक्कत हो रही है, बट कोई दिक्कत नहीं, आगे आगे चीजें सुधर जाएंगी। ओके, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे मैं उसको टेलीग्राम को लॉग आउट करता हूँ। ओके, और आज जो है हम किसी एक स्ट्रेटेजी के बेस पे यूज करके अपने फंडामेंटल ट्रेडिंग एनालिसिस का, और यहाँ पे जहां भी मैं इंडिकेशन मिलेगा और उस इंडिकेशन को यूज करके हम जो है अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करने वाले, देखते हैं कितने हद तक ये इंडिकेशन जो है प्रॉफिटेबल रहता है, ठीक है। यहाँ पे इस इंडिकेटर को हम यूज करेंगे। ओके, हमने यहाँ पर अपना जिगजैग लगाया हुआ है, यूरो यूएसडी यहाँ पे हमारा सिलेक्टेड है और यहाँ पे भी हमारा यूरो यूएसडी यहाँ पे देख लीजिए सिलेक्टेड है, ठीक है। हमारे इस वाले चार्ट पे भी जो है यूरो यूएसडी सिलेक्टेड है। ओके, सो यहाँ पे अभी मुझे कोई भी इंडिकेशन नहीं मिला है मेरे इंडिकेटर की तरफ से, एमएसडी की तरफ से। यहाँ पे देख लीजिए, हमें एक इंडिकेशन मिला था डाउन के लिए। ओके, मैंने यहाँ पे डाउन के लिए ट्रेड प्रेस करी थी जो कि मेरे को प्रॉफिट हुआ था, बट मुझे अभी कोई इंडिकेशन यहाँ से नहीं मिल रहा है देखने को, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे इंतजार करूंगा। ओके, थोड़ा सा मुझे इंतजार यहाँ पे करना है क्योंकि जैसे मुझे इंडिकेट करेगा मार्केट उसी हिसाब से मैं अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करूंगा। फिलहाल मैं यहाँ पे मुझे एक स्ट्रैटेजी या फिर पहले इंडिकेटर को यूज करना है यहाँ पे। सबसे पहले तो मैं जाऊँगा यहाँ पे और मुझे एमएससीडी को यहाँ पे यूज करना है बाई डिफॉल्ट सेटिंग। ठीक है, मैंने एमएससीडी को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। ओके, हमारा ये रहा और यहाँ पे हमने जो $100 अपना सेलेक्ट करके रखा, और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ टॉप पे जाके, तो मैं अभी 7वीं रैंक पे हूँ, ठीक है, $6,480 का बैलेंस बना के। ओके, मुझे यहाँ पे कोई इंडिकेशन अभी देखने को मिल रहा है नहीं मिल रहा है अभी तो, फिलहाल कोई इंडिकेशन नहीं मिल रहा है देखने को, बट इंतज़ार करेंगे। जितना ज़्यादा हम इंतज़ार करेंगे, इतना ज़्यादा हम फोकस करेंगे यहाँ पे, उतना ज़्यादा मुझे यहाँ पे पोटेंशियल ट्रेडिंग में दिखेगा और मैं यहाँ पे कुछ कर सकता हूँ। ओके, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे इंतज़ार करना पड़ेगा। इस जितना ज़्यादा हम इसमें मार्केट में इंतज़ार करेंगे और जितना ज़्यादा अपनी स्ट्रैटेजीज पे भरोसा दिलाएंगे, ट्रेडिंग करेंगे, उतना ज़्यादा हमें थोड़ा सा यहाँ पे देखने को मिलेगा कि भैया हम प्रॉफिट बना सकते हैं। एक ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट करी है $100 की डाउन डायरेक्शन में। मैंने यहाँ पे एक ट्रेड इसलिए प्रेस करी क्योंकि जिस हिसाब से हैमर मुझे देखने को मिला है इस केस में, इसको डाउन जाना चाहिए था। 49 सेकंड्स यहाँ पे बच रहे हैं, देखते हैं क्या होता है इस ट्रेड में। देखो, लंबे टाइम की ट्रेड में हमारे पास टाइम होता है कि भाई चलो हम टाइम एक बना सकते हैं, उसमें निकाल सकते हैं भैया कि चलो हमारे पास एक टाइम है 5 मिनट का, 5 मिनट में हमारी एग्जीक्यूट होगी ट्रेड, तो उसमें हमारे पर्टिकुलर टाइम हमारे पास बचता है कि चलो हमारे पास एक लंबा टाइम है ना, तो वो टाइम हम यहाँ पे व्यतीत करते हैं, तो हमें वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा भरोसा होता है एक लंबे टाइम की ट्रेड। ओके, अब यहाँ पे मैं ट्रेड का टाइम जो चेंज करूँगा उस हिसाब से मुझे इंडिकेशन मिल जाएंगे, बट अभी कोई इंडिकेशन मुझे दिख नहीं रहा खैर के 3 मिनट के टाइम पे भी कोई, 5 मिनट पे भी कोई इंडिकेशन नहीं है। मैं बस 1 मिनट पे आऊँगा। अभी जो मैंने ट्रेड जिस हिसाब से इस हैंगिंग मैन को देखते हुए मैंने लगाई थी, बट देखते हैं क्या होता है, हैमर को देख के लगाई थी ट्रेड, ये प्रॉफिट है फिलहाल गाइस। हमने $100 का प्रॉफिट यहाँ से जनरेट कर लिया, देख लीजिए यूरो यूएसडी पे। ओके, अभी भी हमारे पास टाइम है कि अभी एक और $100 की ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं डाउन में, क्योंकि मोमेंटम थोड़ा सा डाउन पे शिफ्ट हो रहा था। अभी 2 कैंडल यहाँ पे डाउन बननी चाहिए। ओके, ऊपर की साइड जब भी ये हैमर हमें देखने को इस टाइप का मिलता है तो वहाँ पे हमें एक क्लियर कट सा मिल जाता है, क्लियर इंडिकेशन सा मिल जाता है कि भैया हम यहाँ पे कुछ
कर सकते हैं, है ना। जहाँ पे हमें ऐसी कोई चीज़ें देखने को नहीं मिलती वहाँ पे हमें भी थोड़ा सा रिस्की लगने लगता है कि भैया क्या करें, यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करें ना करें, है ना, थोड़ा सा ये लगने लगता है। अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको फ्री सिग्नल और फ्री श्योर शॉट दिलाता रहता हूँ, ठीक है। और श्योर शॉट ट्रेडिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समझ रहे हैं। अगर आपके पास श्योर शॉट की ट्रेड पैटर्न्स वगैरह नहीं है तो फिर आपको थोड़ी सी दिक्कतें होने लगती हैं, आपकी गाइज एक्यूरेसी अच्छी खासी नहीं है, तो जो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी मिलती रहती है और वहाँ पे जो है प्रॉफिट बनाएंगे, है ना। मेरी सेकेंड ट्रेड भी प्रॉफिट हो गई है, ओके। मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपना इन्वेस्टमेंट ना बढ़ाने वाला हूँ बिकॉज ताकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रॉफिट हम थोड़ा सा और जनरेट कर सकें। चलिए यहाँ पे मैंने एक और ट्रेड यहाँ पे डाउन देने का निर्णय लिया है, क्योंकि गाइस देखो जब तक मोमेंटम शिफ्ट डाउन पे है तब तक हम अपना जो है डाउन डायरेक्शन में ट्रेड प्रेस करके प्रॉफिट बनाते जाएंगे तो जो हमारे लिए अच्छा होगा। बस थोड़ा सा हमें इंतजार यहाँ पे करना है बिकॉज गाइस अभी 30 सेकंड्स हुए हैं, मार्केट का शिफ्ट हुआ है, मार्केट MACD हमें खास इंडिकेट नहीं कर रहा है, वही भैया डाउन पे इंडिकेटर था तो हमें डाउन के लिए प्रेस करी थी ट्रेड वगैरह, अभी अपवर्ड के लिए इंडिकेट कर रहा है तो हमें अपवर्ड के लिए प्रेस करना पड़ेगा। गाइस देखो अगर आप MACD को यहाँ पे प्रीवियस टाइम से देखें, मैं अपने लिए ट्रेड कर रहा हूँ ये, ज़्यादातर आपके लिए कुछ शेयर नहीं करने वाला हूँ, ये क्या है क्या नहीं है कैसे क्या है इनका यूजेस करने वाले से। मान लो आपने यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड पुश हुआ था, चलिए यहाँ पे मैं 2 ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ, मुझे प्रॉफिट में आना है भैया, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक मार्केट का एक पॉइंट था, यहाँ से हमें हैमर देखने को मिला, यहाँ से मार्केट ने शिफ्ट किया अपवर्ड के लिए, आप देख लीजिए इसने ग्रीन लाइन इंटरसेट करके मार्केट अपवर्ड की तरफ गया, ठीक है। रेड लाइन को इंटरसेट किया मार्केट ने, अपवर्ड की तरफ मार्केट गया, यहाँ से कंटिन्यू मार्केट जो है अपवर्ड गया, तो ग्रीन लाइन ऊपर की साइड चलती रही, ठीक है। ये चीज़ें थी यहाँ पे, अभी फिलहाल मेरी लॉस में चल रही है, कोई बात नहीं, 31 सेकंड का टाइम बचा हुआ है। गाइस इस वीडियो में 1000 रुपये का गिव अवे मैंने रखा हुआ है, अगर आप जो है विनर बनना चाहते हैं आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट छोड़ना है, ठीक है। और आपको हो सकता है कि आप भैया विनर बन जाएं इस वीडियो के, ठीक है। लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम को ज्वाइन करो, ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो आपको करनी है और आप जो है विनर बन सकते हैं। बाकी ट्रेडर ऑफ द वीक तो वो अलग ही है, वो अभी मैंने कोई विनर निकाला नहीं है ऑलरेडी, तो ये ट्रेड हमारी प्रॉफिट रही। अभी हमें यहाँ पे जो हैमर टाइप का देखने को मिला है, इसको और एग्जीक्यूट कर सकते हैं ट्रेड, मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड एग्जीक्यूट करी है भैया अपॉर्ड के लिए। हमारा ट्रेडिंग व्यू कुछ अभी इंडिकेट नहीं कर रहा है, अगर जैसे ही हमें इंडिकेट करेगा ना हम इस पे थोड़ा सा रिस्क लेने का कोशिश करेंगे गाइस, क्योंकि इस पे हमें रिस्क लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो अमाउंट यूज किया है ना ये, क्योंकि आज मैं खासतौर पे इसी इंडिकेटर को टेस्ट करने आया हूँ और इंडिकेटर मुझे कितने हद तक ट्रेंड मतलब ट्रेड वगैरह प्रॉफिट करा के दिखाता है वो यूज करके इसको प्रॉफिट निकालने वाला हूँ इससे, ठीक है। मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट देगा तो मैं प्रॉफिट यहाँ से एग्जीक्यूट करूंगा, वरना ये ट्रेड तो मेरी लॉस गई है, कोई दिक्कत नहीं है गाइस, ठीक है। मुझे जैसे ही इंडिकेशन मिलेगा मैं अपनी यहाँ पे $1000 की ट्रेड जो है यहाँ पे प्रेस करने वाला हूँ, ओके। अभी फिलहाल 10 सेकंड बचे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं 7 सेकंड अगर मार्केट अपवर्ड गया भैया, मोमेंटम चेंज हुआ 4-5 सेकंड में तो कुछ भी हो सकता है, बट इंतजार करें। देख लीजिए गाइस लास्ट के 2 सेकंड में ट्रेड हमें प्रॉफिट आ चुकी है, चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इंडिकेशन शायद चेंज हुआ होगा नहीं, लेकिन हैमर देखने को मिला है गाइस, अपवर्ड का इंडिकेशन मिला तो हम अपवर्ड पे ही ट्रेड करेंगे $1000 का और, ओके। और आपके सामने ही मैं यहाँ पे विड्रॉ भी निकाल के जाऊँगा, तो इंतजार कीजिए, वीडियो में तक बने रहिए, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो, ओके गाइस। बिकॉज 32 सेकंड बचे हुए हैं इस ट्रेड में, प्रीवियस टाइम की तरह अगर ये भी कैंडल अपॉर्ट बन गई ना तो हमें ज़्यादा बेहतर होगा, और मैं ट्रेड इसलिए करते जाऊँ आपका टाइम वेस्ट ना हो, और यहाँ पे जब तक हमें इंडिकेशन मिल जाए तो मैं आपको इंडिकेशन भी टेस्ट करा दूंगा, है ना। यूज़ में करूँगा 1 मिनट के चार्ट पे, इंतज़ार करना है मुझे बस, ओके। अभी जो हमने $1000 की ट्रेड एग्जीक्यूट करी थी वो प्रॉफिट में है, हम $7,442 भी बना चुके हैं, ओके। और ये हमारी रिफंड आई है बिकॉज गाइस कोई दिक्कत नहीं है, चलिए हम डाउन डालेंगे 2 ट्रेड डाउन के लिए, रिस्की ट्रेड है रिस्क हैं, बाद में मोमेंटम शिफ्ट ना हो जाए कहीं, हम जितना यहाँ से प्रॉफिट बनाएंगे अभी हम उतना ही विड्रॉ आपके सामने लेके जाएंगे गाइस, ठीक है। ये रात के टाइम वीडियो शूट हो रही है, 9:19 पर वीडियो शूट हो रही है, बट कोई दिक्कत नहीं है, 32 सेकेंड्स, ओके। लास्ट के सेकंड्स में कुछ वगैरह चेंज वगैरह हो सकता है, बट इंतज़ार करेंगे हम, फाइनली 19 सेकंड बचे हैं, लास्ट के मोमेंटम में कुछ मोमेंटम शिफ्ट हो सकता है, बट इंतज़ार करना है हमें सिर्फ और सिर्फ। मुझे लग तो रहेगा इस मोमेंटम शिफ्ट हो चुका है अफोर्ड के लिए, और हमारे शायद $2000 हाँ गाइस चले गए हैं गाइस, थोड़ा सा इंतज़ार गाइस, कहीं एकाएक सा मोमेंटम नहीं जा रहा है ये। चलिए मैं चार ट्रेड डाल दी अपॉर्ड के लिए, ठीक है, क्योंकि ये बार बार छोटी छोटी थी मार्टिन टाइप की, इसलिए मैंने अपॉर्ड पे डाली है ये, ठीक है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ मुझे कुछ बनता हुआ दिखाई दे रहा है, नहीं गाइज बिल्कुल नहीं 5 मिनट पे देखूँगा अगर मैं,
5 मिनट पे भी खैर नहीं है, पॉट पे यहीं से मिला था मुझे इंडिकेशन और ये अच्छा खासा गया भी था। कोई नहीं, अभी हम यहाँ पे देखते हैं। हमने $4,000 जो है इन्वेस्ट किए थे गाइज, और ये हमारे देख लीजिए लास्ट के मोमेंटम पे किस तरीके से लॉस में जा रहे हैं गाइज। मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करने लगा है, देख लीजिए कैसे कैसे क्या हो रहा है, ये आप सभी देख सकते हैं। MECD पे तो हम कोई प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं अभी, ठीक है। MECD हमारा दोनों तरफ जो है सेम ही चल रहा है, बट हमारी लास्ट टाइम पे ये प्रॉफिट हो गई हैं। ओके, टॉप पे जाऊँ तो भैया 8,700 कुछ का प्रॉफिट मेरे को हो भी चुका है अभी, और मैं आ चुका हूँ लगभग, अगर अपडेट होता है तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा 5वीं रैंक पे। ओके, और मैं इसी अमाउंट को विड्रॉ भी करूँगा, बट इंतज़ार करना सबसे पहले मुझे यहाँ से कोई इंडिकेशन मिले। एक मिनट पे देखूँ कहाँ मुझे इंडिकेशन मिल रहा है, बिकॉज मैं जब तक यहाँ पे आपको इंडिकेशन नहीं दिला के जाऊँगा तब तक मैं अपनी ट्रेड वगैरह को प्रॉफिट वो नहीं करूँगा, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पे जाऊँगा विड्रॉल वाले सेक्शन पे, जितना मैंने प्रॉफिट बनाया उसको मैं यहाँ पे आपके सामने विड्रॉ करने वाला हूँ, कुछ अमाउंट वगैरह आपके सामने, ठीक है। नेट वर्किंग $3,000 मैं यहाँ पे विड्रॉ करने वाला हूँ। ओके, लिमिट $3,000 की है, तो मैंने $3,000 यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है, अपना आधार कार्ड नंबर डालूंगा। ओके, आधार कार्ड नंबर मैंने यहाँ पे फिलअप कर लिया है। मेरी जानकारी यहाँ पे सारी की सारी हिडन रहेगी, बिकॉज मैं नहीं चाहता हूँ कि आप में से कोई देखे इस चीज़ को। ओके, मैं यहाँ पे विड्रॉ लगाया, देन मेरे पास एक कोड भी आया, तो मैं इस कोड को यहाँ पे फिलअप करूँगा, बिकॉज मेरी मेल पे आया है ये, और इस विड्रॉल की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे। ओके, कोड मेरे पास आ चुका है, 8-9 डा करूँगा। ये हमारा विड्रॉल सक्सेसफुली यहाँ पे लग चुका है, बाबा से ट्रेनिंग वाले सेक्शन पे हम आएंगे, हमारे यहाँ से रिमूव हो जाएगा विड्रॉ। जैसे वहाँ सक्सेस होता है गाइज, ये आपको अपडेट मिल जाएगा टेलीग्राम पे, टेलीग्राम को फटाफट ज्वाइन कर लो। शायद यहाँ पे मुझे लग रहा है मुझे इंडिकेशन मिल गया होगा, बट अभी नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है गाइज। आपको इंडिकेशन अगर इसका चाहिए तो आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना कंपलसरी है गाइज। आज की वीडियो को हम लंबा नहीं खींचेंगे, ताकि आपको हम वेट नहीं कराना चाहते हैं, तो आप जो है नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है पर्टिकुलर टाइम, क्योंकि रात के टाइम शायद इंडिकेशन थोड़ा लेट दे रहा है ये, मैं नहीं चाहता आप डिले करें, ठीक है। तो गाइज आज की वीडियो में यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।